हाय गाइस, वेलकम बैक राधा की रसोई। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जो मेरे नए वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुँचें। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, आज हम बनाएंगे मेथी की भाजी, लेकिन बहुत ही यूनिक तरीके से। आई एम श्योर आप सबने नहीं खाई होगी मेथी आलू, सभी लोग खाते हैं, पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी की भाजी प्लस मूंग की दाल। मूंग की दाल के साथ मेथी की भाजी मेरी मम्मी बहुत बनाया करती हैं इस तरह से मेथी की भाजी, तो मैंने सोचा आप सबसे शेयर करते हैं। तो मैंने मेथी को अच्छे से वॉश कर लिया है 2-3 बार और एकदम बारीक काट लेना है। के लिए मैंने 2 हरी मिर्च ली, जैसे आपने देखा है बारीक काट लिए, और 1 से 1.5 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, इसे कद्दूकस कर लिया था, और ये देखिए एकदम बारीक काट लेना है मेथी को। दोस्तों ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही यूनिक है। सर्दियों का मौसम है, हरी भरी सब्जियां आती हैं, तो फ़ायदा उठाइए, खाइए, हेल्दी रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम डालेंगे कढ़ाई में 2 छोटे चम्मच तेल और 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, और ये देखिए हरी मिर्च जो मैंने काट ली थी 2, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाते हैं तो। और अब जो मैंने कद्दूकस किया था अदरक, ये देखिए वो डाल दिया। अब इनको अच्छे से भून लेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग लहसुन खाते हैं तो प्लीज़ इसमें लहसुन ज़रूर डालिए, मैंने स्किप किया है, आप लोग ज़रूर डालिए क्योंकि बहुत हेल्दी होता है और इसमें उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लहसुन ज़रूर डालिए, 3 से 4 कलियाँ। ये देखिए, और ये मैंने डाल दी मूंग की दाल। मूंग की दाल डालने के बाद उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है, और 1 से 1.5 गिलास पानी डालने के बाद हम इसमें 1 चम्मच डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, 1 पिंच, एकदम थोड़ी सी, और इसको हम कर देंगे बंद। और हमें इसे तब तक ढक के रखना है तब तक हमारी दाल पक नहीं जाती। ये देखिए हमने कर दिया है बंद, देखते हैं दाल को। दाल ऑलमोस्ट पकने पर है, ये देखिए इस तरह से आप चेक कर सकते सेफली, दाल हमारी पक चुकी है। अब जो हमने भाजी काटी थी, भाजी को इसमें मिला देंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, और खाने में दोस्तों बहुत ही अमेजिंग और फ़ायदेमंद तो होती ही है, जैसे आप सब लोग जानते होंगे। तो ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही यूनिक चीज़ है। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और हम इसको भी ढक के रख देंगे अच्छे से, जब तक उसका पानी पूरी तरह सोख ना जाए तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और भाजी पकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है दोस्तों, थोड़ा दाल में टाइम लगेगा, दाल आप चेक कर लें और उसके बाद भाजी को डालें। ये देखिए हमारी मूंग की दाल वाली मेथी की भाजी पक चुकी है, बहुत ही टेस्टी थी और बहुत ही हेल्दी भी। तो ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों, और बताइए कमेंट करके कैसी बनी है। थैंक यू सो मच गाइज़।